वेलकम टू मॉम एंड गीगल्स। सो आज हम टीजर्स के बारे में बात करेंगे। सो टीजर्स के बारे में बहुत लोगों को पता भी होगा, नहीं भी पता होगा, तो ये वीडियो सबके लिए है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टीजर्स। टीजर्स, व्हाट इज टीजर्स? टीजर्स क्या है? टीजर एक बेबी टॉय है, को बेबी च्यू करते हैं व्हेन बेबी स्टार्ट्स ड्रूलिंग, यानी कि जैसे लार टपकना कहते हैं वो स्टार्ट कर देता है बेबी तब, या फिर दांत निकलना स्टार्ट होता है तब वो ये टीजर्स च्यू करते हैं। अभी टीजर्स आ रहे हैं जिनमें फ्लूइड फिल होता है या जेल फिल होता है, जिनको आप फ्रीज कर सकते हैं। ऐसे कई सारे टीजर्स मार्केट में अवेलेबल है आजकल। सो ये तो रहा टॉपिक वड़ा टीजर्स का। अब चलते हैं नेक्स्ट, टीजर्स का यूज़ क्या होता है। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ टीजर्स? सो लेट मी टेल यू, देर आर मेनी यूजेस ऑफ टीजर्स। लेट मी कवर अप वन बाय वन। यूजिंग टीजर्स हेल्प्स बेबी टू सूथ देयर सोर गम्स, जो गम्स में उन्हें पेन रहता है। सो च्यूइंग ऑन टीजर्स, टीजर्स को च्यू करने से जो प्रेशर क्रिएट होता है उनके गम्स पर, प्रेशर आने से उनको ईज मिलता है, रिलीफ मिलता है एक तरह से। पेन जो है उनके गम्स रिलैक्स होते हैं, सूद होते हैं इससे। तो जेल टीजर्स को चिल करके भी अगर बेबीज को दे तो उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है, सूद होता है गम्स, जो पेन है उनको, जो इरिटेबिलिटी है बेबीज फेस करते हैं इस टाइम पे वो उनका कम हो जाता है। एंड दिस हेल्प्स देम टू रिलैक्स, पेन टू गेट रिलीव्ड। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ऑन दिस इज, नेवर फ्रीज टीजर्स, यू जस्ट हैव टू चिल एंड गिव इट टू बेबीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम इज, बेबीज को टीजर्स कब देना चाहिए? व्हाट इज द राइट टाइम टू गिव टीजर्स टू बेबीज? बेबीज को यूजुअली टीजर्स टीजिंग के साइंस दिखने पर ही इंट्रोड्यूस करना चाहिए। आइडियली टीजिंग के साइंस यू कैन सी फ्रॉम थर्ड मंथ में ही आपको टीजिंग के साइंस दिखने लग जाएंगे। सी एवरी बेबी इज डिफरेंट, किसी को जल्दी दिखेंगे, किसी को लेट दिखेंगे। सो व्हेन यू सी द टीजिंग साइंस, इंट्रोड्यूस टीजर्स टू योर बेबीज। हमने नीमो को थर्ड मंथ में ही टीजर्स इंट्रोड्यूस कराए थे, उसकी ड्रूलिंग बहुत स्टार्ट हो गई थी उस टाइम, या ही यूज्ड टू च्यू ऑन टीजर्स, उसकी जो इरिटेबिलिटी थी वो कम हुई टीजर से। च्यूइंग ऑन टीजर्स हिज गम वाज रिलैक्स्ड, रिलीव्ड फ्रॉम पेन एंड ही वाज नॉट इरिटेटेड एनी मोर। ही यूज्ड टू एंजॉय playing with teether, he was getting involved in that teether itself, and I can say that was his first friend. Teether was his first friend, and he used to play with that teether only. So आप भी अगर आपके babies को teething के signs दिखाई दे तो आप babies को teethers introduce कराएं। Next question come is, what are the signs of teething, so that you will have idea when to introduce teethers to babies. So let me tell you, teething में babies को बहुत irritation होती है, बहुत babies बहुत irritated रहते हैं teething जब start होती है। babies के gums swell होते हैं, babies अच्छे से सोते नहीं हैं, हमेशा रोते रहते हैं, and they keep on biting things, जो भी चीज़ मिले मुँह में डाल दिया, जो भी मिले मुँह में डाल दिया, एंड दे स्टार्ट ड्रूलिंग, जिसे लार टपकाना कहते हैं, दे स्टार्ट डूइंग दैट। एंड भूख में अच्छे से खाते नहीं हैं बच्चे, हमेशा उन्हें जलन रहती है मुँह में, गम्स स्वेल होते हैं इसीलिए। तो हम नीमो ने जब ये साइंस दिखाना स्टार्ट कर दिया था तो हमने उसे टीजर्स दे दिए, इंट्रोड्यूस करा दिया था। तो आपको आपके बेबीज के ये साइंस देखने हैं और आपको बेबीज को टीजर्स इंट्रोड्यूस कराने हैं।
सो टीथिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे बेबीज के दांत निकलते हैं. सो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे बच्चों के साथ होता है. आपके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, अभी बच्चों के साथ भी हो रहा है. सो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है. जस्ट अगर आपको ये साइंस दिखे तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए और टीदर्स इंट्रोड्यूस कीजिए. और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हम बेबीज को कौन सा टीदर्स दे या विच वन इज़ गुड फॉर, विच टीदर इज़ गुड फॉर बेबीज. तो बेबीज़ को कौन सा टीदर देना चाहिए, बेबीज़ को कौन सा टीदर्स दे, ये भी सोचना ज़रूरी है. एज अ न्यू मदर आई ऑलवेज प्रेफर सेफ्टी ऑफ माई बेबी. बहुत ध्यान से चीज़ें चूज करनी पड़ती है बेबीज़ के लिए. सो वॉट यू हैव टू डू इज़ अवॉइड यूजिंग लिक्विड फिल्ड टीदर्स. हमेशा BPA फ्री टीदर्स यूज़ कीजिए. प्लास्टिक टीदर्स यूज़ मत कीजिए, प्लास्टिक पे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं. अवॉइड दोज टीदर्स, अच्छी क्वालिटी की टीदर्स लीजिए. और वॉट आई कैन से इज़ अवॉइड जेल टीदर्स, अवॉइड वाटर फिल्ड टीदर्स. एक्चुअली वाटर फिल्ड टीदर्स यू कैन फ्री चिल एंड गिव योर बेबीज. फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू इज़ अवॉइड टेकिंग एनी वाटर फिल्ड और फ्लूइड फिल्ड टीदर फॉर योर बेबीज. सो विच आर द गुड क्वालिटी टीदर्स आई विल टेल यू. आई गॉट फॉर नीमो, सो आई एम शेयरिंग नीमोज टीदर्स विथ यू गाइज. सो हियर इज़ द फर्स्ट वन, सोफी द जीरा. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट टीदर्स विच आई गेव नीमो, विच आई हाईली रिकमेंड टू यू गाइज. दिस इज़ वेरी लाइट इन वेट, ईजी टू ग्रास्प एंड नन्हे नन्हे हाथ आसानी से इस टीदर को होल्ड कर सकते हैं. एंड सोफी द जिराफ इज 100% नेचुरल रबर. बेबीज कैन ईजीली च्यू ऑन ईयर्स एंड हॉर्न्स, जिससे कि बेबी को गम्स, जिससे बेबीज के गम्स सूद होते हैं. एंड दिस इज़ वेरी गुड टॉय फॉर बेबी एट दिस एज. दिस विल बी बेबीज फर्स्ट टॉय विच विल बी स्टिमुलेटिंग इट्स 5 senses. बेबीज़ के ये 5 senses को स्टिमुलेट करता है. बताती हूँ कैसे. जो सोफ़ी का अपियरेंस है वो बहुत ही अट्रैक्टिंग है. दैट इज़ डार्क स्पॉट्स ऑन लाइट स्किन इज़ वेरी कॉन्ट्रास्टिंग, विच बेबी कैन क्विकली रिकोगनाइज द टॉय. वो आसानी से पहचान लेता है टॉय को और बेबीज़ को अट्रैक्ट भी करता है. एंड बेबीज़ गेट फेमिलियर विद द टॉय. एंड ऑल्सो आई कैन टेल यू इज़ सोफी द जिराफ इज़ काइंड ऑफ स्क्वीकी टॉय, दैट इज़ इट मेक्स साउंड. सो बेबीज धीरे धीरे साउंड पहचानते हैं एंड और धीरे धीरे बेबीज समझने लगते हैं कॉज एंड इफेक्ट. दैट इज़ व्हेन यू प्रेस द सोफी साउंड विल कम. तो धीरे धीरे ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी है बेबीज़ के लिए. सोफी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, दैट इज़ बेबी कैन च्यू ऑन मेनी पार्ट्स लाइक ईयर्स, हॉर्न्स, लेग्स. सोफीज बॉडी इज़ लाइक फ्लेक्सिबल, सो इट्स लाइक बहुत ही अच्छे से बेबीज़ के गम को सूद करते हैं, कहीं हर्ट होने के चांसेस कम हैं. एंड सोफी इज 100% सेफ फॉर बेबीज. सोफी का एक नेचुरल रबर सेंट है जिससे बेबी आसानी से रिकोगनाइज कर ले. दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट बेबी कैन रिकोगनाइज इट्स टॉय. एंड आई हाईली रिकमेंड दिस टॉय फॉर बेबीज. इज वेरी सेफ एंड लाइट इन वेट एंड माय बेबी लाइक्स इट वेरी मच. नेक्स्ट इज मिमी मैश एक्टिविटी बॉल. दिस इज़ यू कैन से दिस इज काइंड ऑफ टीदर. इट इज़ PVC फ्री
दैट इज नो हार्मफुल केमिकल्स ऑन इट. इट हैज फ्री स्मूथ सर्फेस विथ द स्माइलिंग बॉल इन साइड विथ स्लाइट जिंगल साउंड. द साउंड इज वेरी इज नॉट वेरी हार्श. बेबी कैन लाइक द साउंड. दिस विल हेल्प बेबी इन फिजिकल डेवलपमेंट दैट इज टमी क्रॉल. एंड इट इज ईजी टू क्लीन, ईजी टू कैरी एंड ड्यूरेबल. सो गिव इट अ ट्राई ऑन दिस. सो नेक्स्ट वन आई एम शेयरिंग इज कीको ईजी ग्रास स्प्रिंग. दिस ईजी ग्रास स्प्रिंग कीको ईजी ग्रास स्प्रिंग्स आर मल्टी कलर. They are BPA free and pain free. They are like in different colors, very attractive. Babies attract very much to this because of the colors. Nemo was very attracted to this rings. This rings really help in developing baby motor skills, which also develops hand and eye coordination of babies. Do try this toy. Coming to the last one, Baby Hub Lux Star. This is water filled teether. I know I didn't recommend this, but I got this. It was like my baby didn't use it much, as this was big in size. He couldn't chew. He just used to play with it. And this is like PVC and BPA free. Either from all of these I will recommend Sophie the Giraffe. अगर आप ये सब लेना चाहोगे चाहते हो तो I'll share the link in the description section. I got these teethers from firstcry.com. So do check the site and the link in the description section. Hope so आपको teethers क्या है, babies को कब देने चाहिए, बेबीज़ के लिए यूज़फुल होते हैं या नहीं, बेबीज़ के लिए कौन से टीदर सेफ है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. सो इफ़ यू गाइस हैव सच क्वेरीज, लाइक आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम उस टॉपिक को आने वाले वीडियोस में कवर करें आपके लिए. और जाते जाते मैं फिर से आप सभी से कहूँगी, डू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट जब मैं अपने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले आपको दिखे. सो सी यू सून. बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग मॉम एंड गीगल्स.